इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने पहले से कभी नहीं किया हुआ तो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप भी ऐसा करोगे तो ये ए नहीं हट पाएगा, है ना। इस ए को हटाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। हम लोग एक्स को लेंगे यहाँ पर साइन ए, एंड वाई को लेंगे साइन बी। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ए माइनस साइन बी। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस ए, ये हो गया कॉस ए प्लस ये हो गया कॉस बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी हो गया। एक काम करते हैं ना, अगले स्टेप में लगाएंगे फॉर्मूला। यहां लिखो साइन ए माइनस साइन बी, व्हाट इज कॉस ए प्लस कॉस बी। फॉर्मूला होता है 2 cos A + B/2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू। लिखते हैं 2 cos A + B/2, फिर cos ए माइनस बी बाय टू। ऐसे ही यहां पर साइन ए माइनस साइन बी क्या होगा, 2 cos A + B/2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू। कुछ कटता तो काट देंगे, यहां पर 2 cos A + B/2 दोनों तरफ से कट रहा है, तो 2 भी काट दो और cos A + B/2 भी काट दो। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा कॉस ए माइनस बी बाय टू इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन ए माइनस बी बाय टू। इस साइन ए माइनस बी बाय टू को हम कॉस के नीचे लाते हैं, तो कुछ ऐसा स्टेप बन जाएगा। यहां लिखो साइन और यहां लिखो ए माइनस बी बाय टू, यहां से साइन ए माइनस बी बाय टू हटा देता हूं, ठीक है। अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, अगला स्टेप देखो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट। तो कॉट ए माइनस बी बाय टू इज इक्वल टू ए आ गया। इसके बाद हम लिख सकते हैं ए माइनस बी बाय टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। और जो अपॉन टू है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इस टू को राइट हैंड साइड पर यहां पहुंचा देते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, 2 cot A inverse A एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, करने में आसानी होगी आपको। ए क्या था देखो, हमने एक्स को क्या लिया था, ए को, ए को हमने साइन, सॉरी एक्स को लिया था ना साइन ए, एक सेकेंड, एक्स को लिया था हमने साइन ए एंड वाई को लिया था साइन बी। तो यहां पर ए क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और ऐसे ही बी क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 cot inverse A। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 upon under root of 1 minus x square। ऐसे ही साइन इनवर्स वाई, क्योंकि हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा 1 upon root 1 minus y square साथ में dy/dx, क्योंकि ये y का फंक्शन है, इज इक्वल टू 2 cot inverse A। मैंने बोला कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद देखो हमारा स्टेप क्या बना, 1 upon root 1 minus x square इज इक्वल टू 1 by root 1 minus y square इंटू dy/dx। दोनों तरफ √1 - y² से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 - y² upon 1 - x² हैंस इट इज प्रूव्ड।